Hey guys, welcome back to the channel. So finally, मैं पहुंच गया हूँ Autoexpo. I know I'm super late. सारे हजारों videos already Autoexpo के आ चुके हैं. But यार अपना एक point of view, अपना एक take तो देना ही था ना. So that's why I'm here. So अभी अंदर मैं just घुसा हूँ and अब देखते हैं कि सबसे पहले मैं कौन सा hall visit करने वाला हूँ. उसके बाद आपको बताऊँगा क्या-क्या हो रहा है यहाँ पे आज. बहुत ही मजा आने वाला है. First up is hall number 9. And I don't know, yahan pe hai Maruti Suzuki. So first up we are greeted by the Vitara Brezza, then on the right hand side we found a Swift Desire and a Swift. So all old cars, nothing special here. And yahan pe Wagoner bhi khadi hui thi. And some Suzuki ki bikes jo ki hamare Indian market mein already sale pe hai, so ye wahi hai, koi special bike nahi hai. And a concept mila, wow. Guys, पूरी मारुति के अंदर यही कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है. बाकी सारे तो पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई हैं. एंड यहाँ पे एक जिमी और है, जिमी को देखते हैं. काफी ज्यादा उसका मार्केट में रिस्पांस आने वाला है अगर रोड लॉन्च होती है तो. बाकी पता नहीं. बाकी एक्सेल से एक्सेलेरियो, वेर्टिगा, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, ये सब खड़ा हुआ है. सो नजर मारते हैं गाइस जिमी पे. गाइस ये है हमारी छोटी सी थ्री डोर जिमी है. सिटी के लिए गाइस ये परफेक्ट एसयूवी लग रही है. छोटी सी एकदम एंड पूरी बोलेरो वाली फील आ रही है, जैसे लड्डा होता है हमारा. लेकिन मुझे अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है. ऐसा क्या है इस सियाज के अंदर जैसे वो पैक किया हुआ है? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट व्हाई इट्स हियर. ये सियाज गाइस आप देख रहे हो, इसको पता नहीं क्यों ग्लास वॉल्स के अंदर रखा हुआ है. आई हैव नो क्लू अबाउट इट, बट इतनी ग्रेट भी नहीं लग रही, नॉर्मल लग रही है बिल्कुल ही. गाइस मारुति में तो बस एक कॉन्सेप्ट एंड जिमी के अलावा कुछ खास ही लगा. कॉन्सेप्ट तो कभी आएगा नहीं, जिमी आ जाए तो ठीक है, स्मॉल अर्बन एसयूवी टाइप तो अच्छा रहेगा. बट मुझे नहीं लगता है कि, एंड आई होप सेफ्टी वाइज 5 स्टार तो बनता है. आई होप मारुति इज वॉचिंग दिस वीडियो. सो गाइस अब बारी है महिंद्रा की एंड आई होप कि महिंद्रा मारुति से बेटर हो. लेट्स सी. सबसे पहली गाड़ी है गाइस आसुस G4. मॉडल है जो की काफी सुंदर लग रहा है रेड एंड व्हाइट में. सो इट्स अ पेट्रोल मॉडल, clearly mentioned it's a petrol, and seats does look nice, but airbags and everything. The only car in India with a GNGAP 4-star child safety rating and GNGAP adult safety rating for 5 stars, which is nice by Mahindra. Does look fantastic. Check out the scissor doors and that interior guys, and those humongous wheels and the front. The car looks so radical, man. अगर ये streets पे आ गई ना, मज़े आ जाएगा. And check this out, guys. Sick frame, electric, Mesma 350. सबसे बात करो तो भाई ये चीज़ सबसे बढ़िया है. City में चलाने के लिए और क्या चाहिए? इसका नाम क्या है? Mahindra Atom. It is very small. Cute little car. It's an electric vehicle. इसके अंदर कैमरास लगे होंगे. आई होप सो कैमरास तो होने जरूरी है. यहाँ जूम करें. आई थिंक सो या देयर इज अ कैमरा देयर. सो गाइस दैट्स इट फॉर महिंद्रा. एंड बस ये इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा एंड जो इनका मेन कॉन्सेप्ट था वो काफी अच्छा कूल लुकिंग कार्स. एंड ई एक्सयूवी 300 के अंदर तो इन्होंने क्या कहते हैं रियर व्यू मिरर्स ही खत्म कर दिए. वहां पे हमें मिल रहा है कैमरा. सो हमें बाहर नहीं स्क्रीन पे देखना है.
So guys, अब बारी है रेनो की, जो कि महिंद्रा के बिल्कुल साथ ही लगा हुआ है. So रेनो में देखते हैं, सबसे पहले तो हमें एक बहुत ही awesome था यहाँ पे एक concept मिल रहा है, इसको मैं भी क्लोजअप दिखाता हूँ. बाकी जो तीन चार गाड़ियाँ का हो रहा है, बेसिकली ट्राइबर एंड क्विड के ऊपर ही ज़्यादा फोकस है. पता नहीं और भी इनके पास कार्स हैं अच्छी एंड डस्टर तक नहीं है मैंने सुना है. बाकी मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या है. चेक आउट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम रेनो एंड इसका है नाम सिम्बायस. प्रिटी रेडिकल लुकिंग कार एंड आई थिंक ये वही है जिसकी सीट्स आप देखो स्विवल है, पीछे इधर भी घूम जाती है, शायद इसमें ऑटो पायलट सिस्टम होगा या फिर आप रुक के आराम से सीट घुमा लो अपनी. एंड ये गाइस इसका फ्रंट एंड और देखा जाए तो यहाँ पे क्विड्स ड्राइवर, अनदर ड्राइवर, गेट अनदर ड्राइवर राइट देयर एंड एक और क्विड. आई मीन क्विड्स पे ज़्यादा फोकस इस बार इधर रखा है एंड एक पावर ट्रेन है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ कौन सी है. एंड ये है गाइस आई थिंक जोई या क्विड इलेक्ट्रिक, KZE इज द क्विड इलेक्ट्रिक जो कि यहाँ पर है. ये रही, थोड़े बहुत डिज़ाइन चेंजेस है, सम स्टिकरिंग जॉब. एंड ये इसका चार्जिंग हब है, and that's the Zoe guys, it's also a fully electric car, 100% electric. ये इसका इंटीरियर है एंड चेक आउट द गियर लीवर, काफ़ी क्यूट सा है, छोटा सा, इट्स अ फुली इलेक्ट्रिक वन. रेनो ज़ोई, देयर्स अ कैप्चर फॉर अ चेंज गाइस. व्हील्स का साइज अच्छा है, दैट्स 215/16R17 एंड नाइस लुकिंग इंटीरियर द संगास. ओके सो देयर इज अ डस्टर, तो मैंने जो रिव्यूज वीडियोस वगैरह देखा था, वैसे डस्टर नहीं है बट देयर इज अ डस्टर एंड दे आर आल्सो गोइंग टू अपग्रेड इट लिटिल बिट. एंड यहां पे एक नया पावर ट्रेन जो कि 1.3 TC 130 एंड इट लुक्स फिनोमिनल एंड आई डोंट नो अरे वायु चलते हुए भी दिखाया हुआ है, हाउ डज दिस थिंग वर्क. एंड दिस अल्टरनेटर एंड ये है पिस्टन मूवमेंट गाइस, प्रिटी रैडिकल लुकिंग स्टफ, इट गॉट सम नीट लुकिंग अलॉयज एंड दैट्स द फ्रंट guys. This is Renault RS 2017 Vision and this does looks radical but this it's a F1 car, so basically it's not a road car, so bahut hi zyada epic hai dikhne mein. And check out the spoiler on this thing, so darn cool, right? Race spec tires, koi isme groove nahi hota, kuch nahi hota, looks radical man. Okay, so that's the end for the Renault and ठीक थी कुछ चीज़ें अच्छी, बट ड्राइवर एंड क्विड के ऊपर ज़्यादा फोकस हम लोगों ने मारा हुआ है. दैट एफ1 कॉन्सेप्ट इज डज लुक्स ऑसम एंड आप देखते हैं ये अब कहाँ जाना है हम लोगों ने. यहाँ पे तीन चार तो मैंने कवर कर दिए इस पर्टिकुलर हॉल के अंदर एंड शायद टाटा का एक्चुअली पूरा हॉल है, जिस इस पर्टिकुलर हॉल में तीन थे टाटा में पूरा है.